दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप बाइनेंस पे अपना नया अकाउंट बना सकते हैं और उसको कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। और मैं इसकी जितनी भी वीडियोस मैं इस पर बाइनेंस पर बनाने वाला हूं, उन सभी में आपको कैसे आपको पैसा अपना डिपॉजिट करना है, कैसे आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाई या सेल कर सकते हैं, सारी जानकारी बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको अकाउंट क्रिएट करना, नया अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगा और कैसे उस अकाउंट को आपको वेरीफाई करना है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसका नाम है ईगल AI। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर भी बाइनेंस का जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। आपको लिंक में क्लिक करना है और क्रोम में ओपन कर लेना है। तो मैं इस टाइम अभी दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका हूं। मैं एक फेक ईमेल से अपना अकाउंट बना के आपको बताऊंगा और कैसे वेरीफाई करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID यहाँ पर डाल देना है। आपको अपना ईमेल ID, तो मैं अपना एक फेक ईमेल ID यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। इस तरीके से आपको ईमेल आईडी और यहाँ पे अपना कोई एक अच्छा सा पासवर्ड आपको डाल लेना है जिसमें सभी करेक्टर हों, जैसे कि एक नंबर हो। इस तरीके का मैं एक एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बता रहा है, तो इस तरीके का आपको पासवर्ड डालना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर पासवर्ड फिल कर ले रहा हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों, इतना करने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे ये इस जगह पे फिल करना है। यहाँ पे आपको ऐसे स्लाइड करके फिल कर देना है। इसको स्लाइड करने के बाद आपके ईमेल पर एक ईमेल आएगा, उसको आपको यहाँ पे उस कोड को फिल करना होगा। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइनेंस का जो यहाँ पे है वो ईमेल आ चुका है। अब इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कोड आपको इस तरीके का मिल जाएगा। इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है, कोड को कॉपी करना है आपको, इस तरीके से कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आके फिल कर देना होगा। तो यहाँ पे नहीं फिल हो रहा है, तो इस तरीके तो आपको क्या करना है, एक एक नंबर याद कर लेना है, 7 2 8 1 2 9। तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है 7 2 8 1 2 9, इस तरीके से फिल कर देना है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपका वेरीफाई हो जाएगा ईमेल, और ईमेल वेरीफाई होने के बाद इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है डिपॉजिट क्रिप्टो टू स्टार्ट ट्रेडिंग और बाय क्रिप्टो विद योर क्रेडिट कार्ड, बाय क्रिप्टो यूजिंग बाइनेंस पीयर टू पीयर सिस्टम। तो ये सारी जानकारी आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। गो टू डैशबोर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे बोल रहा है आपको पहले गूगल वेरिफिकेशन करना होगा या फ़ोन वेरिफिकेशन। तो इन दोनों में से तो आपको सबसे इजी पड़ेगा, आपको फ़ोन वेरिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अभी मैं रिमाइंड मी लेटर कर दे रहा हूँ, तो रिमाइंड मी लेटर। अब यहाँ पर 2FA वेरीफिकेशन के लिए वही 2FA वेरीफिकेशन वही है, वही चीज़। इन दोनों में से आप क्या करना चाहते हैं, तो आपको फ़ोन वेरिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है और ये फ़ोन वेरिफिकेशन आपको ऑन कर देना है। और इसके बाद डिपॉजिट फंड ऑप्शन आता है, तो यहाँ से डिपॉजिट आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ध्यान देना है आपको, इस पे ये जो यूज़र वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका पर्सनल वेरिफिकेशन ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके, इस पर आपको क्लिक करके अपना कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कंट्री हो। और इसके बाद आपको यहाँ पे चले आना है, यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे अपना फुल नेम जो भी डालना है वो आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, वो आपके डॉक्यूमेंट में मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे अपना फुल नेम, उसके बाद यहाँ पे अपना डिटेल, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। उसके बाद सारी डिटेल यहाँ पे भरने के बाद, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ अपना नाम। तो इस तरीके से आपको अपना सारा नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं कुछ भी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं ये फेक अकाउंट एक बना रहा हूँ, इस वजह से कुछ भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैंने कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और फुल नेम, वही नेम आपको डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट में हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अपना स्ट्रीट एड्रेस, पिन कोड, सिटी और पैन नंबर आपको डालना है। एक चीज़ ध्यान देना है, आपके पास पैन नंबर होना ज़रूरी है, वरना आप इस पर अपना वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको भरने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसमें ध्यान देने की बात यह है, आपके पास दो डॉक्यूमेंट होने काफ़ी ज़रूरी हैं, पहला तो आधार कार्ड और दूसरा आपका पैन कार्ड। अगर आपके पास दो डॉक्यूमेंट हैं तो आप इस वेरिफिकेशन को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।